नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सोशल बिकू पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको यहाँ पर EPS 95 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आता रहता है बिल्कुल अपडेट करते रहते हैं, और आपको जो भी अपडेट लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं उससे हम बिल्कुल आपको अवगत कराते रहते हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में आपको थोड़ा समय लेके आप लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग के जो फीडबैक्स आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं दोस्तों, वो काफ़ी अधिक हमें मोटिवेट करते हैं और आपके सामने जेन्युइन न्यूज़ जो है, जेन्युइन EPS 95 से रिलेटेड अपडेट होता है वो लाने का मुझे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको बता दें कि अभी के लिए जो लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको EPS 95 से रिलेटेड, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसमें जो भी अपडेट आया हुआ है, और आने वाले समय में आपको बता दें इससे जो भी अपडेट आ रहा है वो भी हम आपको इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से लेके आते रहेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से जो भी हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आएंगे, लेटेस्ट जो वीडियो आता रहेगा वो आपसे मिस नहीं होने पाएगा। और अपना फीडबैक इसी तरह हमें देते रहें, इस फीडबैक से, इस कमेंट से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जो भी आपके साथ के लोग हैं उनको भी ये वीडियो दिखाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाने का कोशिश किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जो आप आज के लिए अपडेट है, जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है EPS 95 से। हम आपको बता दें कि नेशनल एलिगेशन कमेटी के द्वारा है, और जो ये अपडेट है जिसके लिए हम आपको बकायदा इसमें प्रूफ भी दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने जितने भी अपडेट अभी तक आपको दिए यहाँ पर सब जेन्युइन देते हैं। जो भी रियल होता है, जो कि एक्चुअल में वर्क करता रहता है, जो कि चलता रहता है, वह है EPS 95 से, वो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या अभी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल एलिगेशन कमेटी ने जो अपडेट दिया है इससे ये है कि माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार का श्रम मंत्री जी ने दिनांक 14/12/2018 से 7/12/2018 तक दिल्ली में आंदोलन के दौरान दिए हुए अपने आश्वासन की पूर्ति नहीं की है, इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं में दिनांक 24/12/2018 से अनिश्चितकालीन श्रृंखला अनशन की शुरुआत की गई है, और दिनांक 15/1/2019 से भिंड मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन श्रृंखला में अनशन शुरू किया है। दिनांक 23/1/2019 से देश भर के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने आमरण अनशन श्रृंखला अनशन किया जाएगा। चूंकि इतने आंदोलन करने के बाद भी श्रम मंत्री ने हमारी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी है, इसलिए दिनांक 23/1/2019 को श्रम मंत्री जी के दिल्ली व बरेली के निवास स्थानों पर भी इसी प्रकार में अनशन किया जाएगा। इस संदर्भ में श्रम मंत्री को ऑलरेडी नोटिस भेजा जा चुका है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में जो नोटिस भेजा जा चुका है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो द प्रॉमिस, अब देखिए इसको मैं बताता हूँ, द प्रॉमिस गिवन टू श्री संतोष कुमार जी गंगवार का ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर ड्यूरिंग द दिल्ली एलिगेशन फ्रॉम 4/12/2018 to 7/12/2018 आर नॉट फुलफिल, देयरफॉर वी स्टार्टेड द आइडेंटिफाइड चेन फास्टिंग मूवमेंट एंड बुल्दाना महाराष्ट्र 24/12/2018 द सेम मूवमेंट इज रिपीटेड बाई अवर ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम भिंड मध्य प्रदेश 15/1/2019 द इंडिफिनिट चेन फास्टिंग फास्ट अंटिल द डेथ मोमेंट वुड बी स्टार्टेड अक्रॉस द नेशन, दिस एलिगेशन वुड बी कंडक्टेड इन द इन फ्रंट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस इन ऑल फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 23/1/2019 ऑल्सो द चेन अंटिल डेथ हंगर स्ट्राइक वुड बी ऑर्गेनाइज इन फ्रंट टू बोथ द रेजिडेंसी ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर दैट इज एट दिल्ली एंड बरेली फ्रॉम द सेम डेट ऑन 23/1/2019 नोटिस द इफेक्ट ऑलरेडी सबमिटेड टू ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑल अदर CBT मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो इनका कहने का मतलब जो नोटिस है वो ऑलरेडी सबको दिया जा चुका है, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और ऑल जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट मेंबर्स हैं दिया जा चुका है। नोटिस क्या है दोस्तों वो भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल एलिगेशन कमेटी EPS 95, और इसमें आप देख सकते हैं 16/1/2019 का ये नोटिस है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट नोटिस ऑफ हंगर स्ट्राइक इन फ्रंट ऑफ हाउस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब ये नोटिस किसके नाम पे है, ऑनरेबल श्री संतोष कुमार जी गंगवारकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रम शक्ति भवन न्यू दिल्ली, उनके लिए है। और रेफरेंस क्या है, द
ऑर्गेनाइजेशन लेटर ईपीएस 91 NSE एलिगेशन डेटेड दिस 12/12/18 दिस ऑर्गेनाइजेशन लेटर ईपीएस 95 NSE 12 ये उसके रेफरेंस में है, रेफरेंस यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी रेफरेंस है, सब्जेक्ट ये रहा इनका कि नोटिस है जो हंगर के लिए है और पहले भी 3 से 4 बार यहाँ पर दिया जा चुका है, ये रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। इफ यू फॉर लेटर नंबर ये द ऑर्गेनाइजेशन लेटर नंबर ये, तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है इसमें। ऑन लेबर सर यू हैड प्रॉमिस टू फुलफिल ईपीएस 95 नेशनल एलिगेशन कमिटी डिमांड्स एट अर्लीस्ट, सिमिलरली द ईपीएफ वाइड देयर लेटर आई प्रॉमिस्ड अस टू रिजॉल्व आवर डिमांड्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ हाई इम्पॉर्ड मॉनिटरिंग कमिटी रिपोर्ट, हाउ एवर देर इज नो एक्शन टेकन एट योर इंटिल डेट इन द प्रोटेस्ट ऑफ द सेम इंडेफिनिट चेन फास्टिंग मूवमेंट इज कंटिन्यूसली गोइंग एट बर्नाला गोइंग एट महाराष्ट्र विद रेफरेंस 24 दिसंबर 2018 टूडे इज 24 डे ऑफ फास्टिंग द मूवमेंट इज गेटिंग ओवरवेलिंग इन रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेंशनर इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हंड्रेड्स ऑफ पेंशनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस Seeing no response from the government's end, the organization has decided that if our demands are not fulfilled by 22nd January 2019, then we shall have option to organize a fast until death hunger strike in front of district collector's DM office throughout India. The allegation will start on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd January 2019. Thousands of old age pensioners will be participating in this aggression and will carry out in the district of maximum states of the Indian Union. We are seriously concerned about the fact that even after so many aggressions, our voice has not reached to you. We therefore decide to sit in on the indefinite hunger strike in front of your residence at New Delhi and Bareilly 23/19. तो ये इसका फर्स्ट पेज है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग हंगर करने जा रहे हैं गंगवार यूनियन जो मिनिस्टर है उनके घर के सामने और उनके ऑफिस के सामने और हर जगह, ये फर्स्ट लेटर उसका है। अब सेकेंड देख लेते हैं इसका पार्ट जो भी है, और आप देख सकते हैं द एगेशन विल बी कैरीड आउट पीसफुली एंड मैनर बाय द पेंशनर्स बिटवीन द एज ऑफ 60 से 80 साल के जो पेंशनर्स हैं, देयरफॉर हमर रिक्वेस्ट टू फॉर रिजॉल्व द ऑर्डर 22nd January 2019। आपको 22 जनवरी तक का इसमें समय दिया गया है, इसको आप जल्द से जल्द फिक्स करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब जो इनका कंसर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विड्रॉल द ईपीएफओ जो है इन टर्म्स, ये उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है कि गिविंग ईपीएस पेंशनर चॉइस हायर पेंशन 750 बेसिक पेंशन प्लस डीए अंटिल द डिमांड फुलफिल विल बी ₹5,000 प्लस डीए गारंटेड एज एन इंटरिम रिलीफ कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन सिंस कोशियल कमिटी रिकमेंडेशन ऑफ दैट इज 3,000 और मोर प्लस डीए। ओके, प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल ईपीएस मेंबर्स एंड देयर स्पाउस, ईपीएस रिटायर्ड एम्प्लॉयज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ ईपीएस स्कीम अलाउड टू एक्सपोज टू फैक्ट टू मेंबरशिप ऑफ बाय रिकवरिंग द कंट्रीब्यूशन विद द इंटरेस्ट अलाउिंग देम देयर ड्यू राइज, अदरवाइज दे मे बी गारंटेड ₹5,000 पर मंथ। तो इसमें भी उन्होंने बता रखा है कि जो ईपीएस 95 मेंबर्स का जो डिमांड है वो इसमें फुलफिल करने के लिए इसमें कहा जा रहा है कि ये चीज़ें इसमें फिल की जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपी इसका सबमिट किया गया किसके किसके पास, कॉपी जो सबमिट किया गया है वो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑल ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑल सीबीटी मेंबर्स CPFC जो है निधि भवन यहाँ पर भी दिया गया है, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली। तो ये कॉपी जो है सबको सबमिट किया जा चुका है।
तो अभी के लिए दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट था ईपीएस 95 से रिलेटेड। अब आने वाले समय में देखते हैं कि इसमें जो भी अपडेट आएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट आएगा, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे, इस चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर कराएं। धन्यवाद।